मेरठ से आतंकवाद निरोधक दस्ते द्वारा गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के तार फरीदाबाद से भी जुड़ गए हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके पांच अन्य साथियों के खिलाफ सेक्टर 17 में जबरन धर्मांतरण कराने का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित विनोद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि साल 2011 में वो अपने परिवार के साथ सेक्टर 17 की प्रेम नगर की झुग्गियों में रहता था। उसी के पड़ोस में कुछ मुस्लिम युवक रहा करते थे जो उसे मुस्लिम समाज की अच्छाइयों के बारे में बताया करते थे और हिंदू धर्म की वो बुराई किया करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा विनोद को बीच बीच में कुछ पैसे और अन्य जरूरी सामान भी दिए जाते थे। इसी के चलते वो उनके चंगुल में फंस गया। पीड़ित विनोद की माने तो उसे दिल्ली स्थित शाहीनबाग की एक मस्जिद में मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलवाया गया, जहां उसने विनोद को गले लगाते हुए उसका धर्मांतरण करवा दिया और उसका नाम नूर मोहम्मद रख दिया। उसके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने बताया कि उसे गुजरात और यूपी में इस्लामी तालीम के लिए भेजा गया, जहां उसे हिंदू धर्म की बुराइयां और इस्लाम धर्म की अच्छाइयां बताई जाती थी। पीड़ित विनोद ने कहा कि मौलाना कलीम सिद्दीकी का एक साथ दिलशाद उसे पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए भेजने की भी कहा करता था, जिसकी वजह से वो हमेशा डरा डरा रहता था। साल 2018 में उनके चंगुल से छूटकर आए विनोद ने फरीदाबाद में ही 2 साल गुमनामी से बिताए। साल 2020 में जब उसकी बहन की शादी का उसे पता चला तो वो अपने परिवार से मिला। परिवार के लोगों ने उसे समझाकर अपने साथ मिलाया और अब जाकर उसने सेक्टर 17 थाने में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जब मैं मुस्लिम बन गया, इन लोगों ने मेरा नाम नूर मोहम्मद रखा, ये हाथ पे भी इन लोगों ने बनवा दिया, मेरा ये निशान भी ओम बना हुआ था ये भी मिटवा दिया इन लोगों ने, बजरंग बली बना हुआ था ये भी इन लोगों ने मिटवा दिया मेरे साथ। अच्छा, दूसरा, तुम जब गुजरात गए थे तुम्हें जमात की जो तालीम दी गई थी वो किस तरह की तालीम थी, क्या क्या पढ़ाते थे? नमाज पढ़नी वगैरह सिखाते थे वो लोग, और अरबी का ज्ञान दिया गया मुझे, अरबी पढ़नी सिखाई मुझे। तो क्या, और क्या आतंकवाद की भी कोई ट्रेनिंग देने की बात थी, वहाँ के आतंकवादी बना देंगे? या भी सिखाते थे जी ये लोग, कहाँ गैर मुस्लिमों को मारना चाहिए, ये तो दिल्ली में ही सिखाते थे जी। कोई ट्रेनिंग हथियारों की या कोई ऐसी भी कोई जी? क्या बताओ पूरी। पर मैंने उनकी इन बातों को नहीं माना, मुझे डर लगता था, और ये लोग ट्रेनिंग कहते थे ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तुमने इतने दिन जब बाहर उनके साथ में रहे थे तो क्या परिवार के लोगों के लिए कोई पैसे वैसे वो भिजवाते थे? क्योंकि तुम जब बता रहे हो कि लालच दिया था तुम्हें, तो पैसे कोई भिजवा देते? सर ऐसे ही बोलते थे, वो झूठ बोलते थे, बस अपनी बात मनवाते थे और डराते धमकाते। तो तुमने कभी वहाँ से वापस लौटने की कोशिश नहीं की? कोशिश करी सर, मेरे को डराते धमकाते थे कि तेरे को मार देंगे, तेरी फैमिली को मार देंगे। अब कैसे निकल के आए तुम वहाँ से? जब निकले थे चकमा दे के आया था मैं, वैसे निकल। कहाँ से आए थे लास्ट, कहाँ से आए थे? मैं नहीं, दिल्ली से आया था। कब? दिल्ली शाहीनबाग से? हाँ, 2018 में आया था सर। बेटे के साथ में हमको पता नहीं चला सर, 2013 की बात है, ये 10वीं क्लास में था। हाँ। 10वीं क्लास में स्कूल जाता था मैं, तो सर बेलदारी करता हूँ। अच्छा। बेलदारी करता हूँ, हम तो काम पर चले जाते थे, ये स्कूल जाता था, इसको बुला के अपना बातचीत करता था थोड़ा बहुत, और बस इतने में उसी के फिसलाने में आ गया। अपना स्कूल नहीं जाता था, दो लड़की स्कूल भी जाती थी वो चली जाती थी, ये जाता ही नहीं रहा। अच्छा। उसी के पास बैठा रहता रहा। क्या पता लगा लड़के के बारे में, कब पता लगा लड़के के बारे में? तो जब ये वहाँ गया, हमसे तो बोल नहीं गया, घर पे बोल के गया कि मतलब मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, कहीं 4-5 महीना बाद लौट के आऊंगा। फिर उसके बाद में 4-5 महीना हो गए, फिर इसको मैं जब ये गुम हो गया, नहीं कहता मैं कमाने जाऊंगी ये है कुछ, फिर एकदम से चला गया, घर में भी नहीं बताया, तब इसको मैं गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई मैंने इसकी कि कहाँ। जब कौन से थाने में कंप्लेंट कराई थी? ये 17 का चौकी है जो फरीदाबाद सेक्टर 17। हाँ जी। तो कैसे पता चला कि बच्चा कब मिला आपको? फिर बच्चे ने क्या बताया? फिर बच्चे ने कुछ नहीं, इस बारे में कुछ नहीं बताया, इसने सलाम के बारे में कुछ नहीं बताया कि मैं ये करता हूँ, ये कहता मैं काम कर रहा हूँ। हमने कहा कमाता धमाता है कि ऐसे तू मुझे कह रहा है? कल नहीं मम्मी मैं काम, मैं भी सोचा चल बच्चा है थोड़ा छोटा है नादान है। आपको कब पता चला कि इसके साथ ऐसा हुआ? इसके साथ मैं जब ये इसको मैंने एक दिन देख लिया थोड़ा से कि ये कहने लगे मम्मी मेरे को ये धर्म अच्छा लगता है, हमको पागल तो नहीं होगा, अपने धर्म में अच्छा लगता है, कोई अपने अपने धर्म में सबको अगवाते हैं, कोई दूसरे धर्म में थोड़े अगवाते हैं, वो बहुत गंदे लोग होते हैं, पता नहीं तुझे अपने भारत में कितना क्या कर रहे हैं। कहता नहीं मम्मा, ये उसका नाम नहीं बताया कभी से, आज तक नहीं बताया, अब इसने नाम बताया कि मेरे को ऐसे ऐसे जब इस पर भीजी है हर चीज़ की,
हमसे हम लोगों से लड़ाई कर करके भाग जाता था। दो दिन के लिए आता है, घर में महाचाल करके चला जाता। हम रो रो के परेशान हो जाते कि हमारे बच्चों को क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इसने कभी नहीं बताया मुझे इस चीज़ को।